तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इदरीसी पटेनी स्टोर शॉर्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक से होंगे। फिलहाल आज जो है मैं अपने आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है शॉर्ट्स चैनल पर, तो वो ये है कि मैंने इसका जो कंप्लीट डिटेल वीडियो अपना बनाया है पुष्पांजलि से, जो पुष्पांजलि नहीं सॉरी पुष्पा बीटन वालों से, जो मैंने कुछ प्लांट्स रोज़ प्लांट्स परचेस किए थे, तो उसको मैंने आपको दिखाया ही था। हालांकि ये फर्स्ट टाइम है मैंने अभी मेन चैनल पे इस वीडियो को नहीं डाला है आईडी के लमसम पूरी डिटेल में, और आज मैं आपको इसमें शॉर्ट चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो रोज़ प्लांट आए हैं वो अब कैसी कंडीशन में हैं आप देख ही रहे हैं, और जो है इनकी आईडी भी बताने की कोशिश करूँगा कन्फर्म कराने की कि आपको ये ठीक ठाक है या फिर इसमें जो है कोई प्रॉब्लम है, वो आप मुझे बताइएगा। जितने भी खिले हुए हैं फूल मैं उसको दिखाने की पूरी बनवाई बन कोशिश करूँगा। ये देखें, यहाँ से ही शुरू कर देता हूँ मैं। ये बड़ा अच्छा खिलता है इस तरीके से, देखें ये खिला हुआ है, और ये प्लांट्स भी देखें काफ़ी हेल्दी हो चुका है ये। और इसमें मैंने क्या फीडिंग की है सारी मैं जानकारी दूंगा अपने वो मेन चैनल पर, फीडिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको वन बाय वन आईडी कंफर्म कराऊंगा, पौधे की कंडीशन दिखाऊंगा। ये देखें पुष्पा बीटल, और ये देखें ये है लेवेंडर सिंप्लिसिटी। देखें ये देखें लेवेंडर सिंप्लिसिटी करके है ये, सॉरी ये सब पानी से जो है गंदा हो गया। लेवेंडर सिंप्लिसिटी देखें, इसकी जो है फ्लावर खिलता लेवेंडर की तरह ही है, मगर ये जो है इसकी फ्लावर में कट होता है, ये है लेवेंडर सिंप्लिसिटी। दूसरा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये दूसरा प्लांट मेरा देखें ये है, ये इस पर अभी फूल खिल रहा है और अभी खिला नहीं है, इसको मैं बताऊँगा आपको ये क्या है। डीवेन दास करके है, डीवेन दास है या डीवेन डी ए करके है कुछ, ये देखिएगा ये बढ़िया फ्लावर इस पर भी खिलेगा उम्मीद है मुझे, क्योंकि सारी वैरायटी ही बड़ी शानदार भेजी है इन्होंने। और ये मुझे आप कुछ नाम मुझसे पढ़ नहीं मिलेंगे, आप खुद पढ़ लीजिएगा। नीलावो करके है, मिलावो करके देखिए आप मुझे बताइएगा। और ये देखें ये प्लांट भी ठीक ठाक हो चुका है माशाल्लाह, और ये देखें इसमें ये रोज़ खिलना शुरू हो चुका है। अब चलता हूँ मैं इस आईडी की तरफ, ये देखें रोज़ काफ़ी प्यारा कलर खिल रहा है इस पर, और काफ़ी सारी कलियाँ भी लग रही हैं, नई ग्रोथ भी आ रही है, बढ़िया चल रहा है पौधा। ये देखें इसकी क्या आईडी है, ये है बंगाल संस्कृति करके, ये बंगाल संस्कृति, और पौधा भी देखें माशाल्लाह ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा चल रहा है। ये हमें जो है पुष्पा बीटल से प्राप्त हुआ है, और ये है फायर फ्लैश करके। पिछली बार मैंने इसका एक वीडियो शॉर्ट में डाला था अपने मेन चैनल पर, फायर फाइटर करके लिख दिया था, जिसमें मुझसे मिस्टेक हो गई थी। हालांकि ये आईडी सही है, फायर फाइटर नहीं, ये फायर फ्लैश है। ये देखिएगा, ये हमें गप्पू भाई ने कंफर्म कराया, और ये पुष्पा बीटन, और ये फायर फ्लैश है, मगर ये फायर फाइटर इसमें भी लिखा हुआ है, और हालांकि मुझे लिखा हुआ मिला था तो इसलिए मैंने फायर फाइटर ही पढ़ा। और ये है मेरा बड़ा ही प्यारा सा गुलाब ब्लैक बकारा, देखें ये सबके गार्डन में हर कोई अपने गार्डन में इसे ऐड करना चाहता है ब्लैक बकारा को, तो ये बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर होता है। हालांकि अभी इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा हो चुका है कि गर्मियां बहुत तेज़ पड़ रही हैं धूप यानी कि, और जो है इस वजह से इनके जो है सेफ बिगड़ जाता है। तो ये है एक और पौधा मेरा, ये दिखा देता हूँ मैं, ये क्या है ब्लश, ये ब्लश है जो हमारे जो है सागर भाई ने हमें दिलवाया है, ये सागर भाई का तहे दिल से शुक्रिया। और ये तो शायद मेरे ख्याल से ये मेरा पुष्पा बीटन से ही नहीं, ये मेरा वैसे ही घर का पिछला वाला है जिसमें माइट्स बहुत ज़्यादा लगी थी। और बाकी ये है एक और फ्लावर प्लांट हमारा रोज़ का, इसके मैं दिखा देता हूँ, ये देखें किधर गया इसका टैग, ये है आपका अरकनसास करके है, कोई अरकनसास करके है, उस पुष्पा बीटन से प्राप्त है ये भी मुझे। और बाकी ये तो हमारा पेंगुइन है, देख सकते हैं आप काफी अच्छी ग्रोथ है पेंगुइन की, और पौधा भी काफी हेल्दी है, ये देखिएगा ये है पेंगुइन हमारा, इसकी मुझे मालूम है फिर भी मैं आपको एक बार आईडी से कन्फर्म करा ही देता हूँ। देखें ये लिखा हुआ पेंगुइन, ये है पेंगुइन, और बाकी ये वाला हमारा डीए है डेविड ऑस्टिन डीए 1401, ये 1401 है, खुशबू बहुत अच्छी है इसके अंदर,
और ये बंच में आता है, देखें इस तरीके से, इसमें तो अभी नहीं है, और ये भी इसी का ही है डीए का, और ये देखें ये भी इसी का ही है डीए का, ये सारी ग्रोथ इसकी है, और इसकी ग्रोथ एक यहाँ आई है डीए की निकल करके, ये देखें यहाँ से ये गई है पीछे से, और इसी के आगे है ये हमारा महीराज जो काफ़ी अच्छा है और फ्लावर इसका बड़ा ही शानदार खिलता है। महीराज देखें, ये है महीराज, इसको बोलते हैं महीराज। और पौधे की कंडीशन देखें, माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है, ये देखें ये है महीराज, देखें इसकी आईडी। और बाकी ये वाला कौन सा है, इस पर भी मेरे ख्याल से फूल खिला है या नहीं खिला है, फूल नहीं खिला है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या है, हनी डिजन है, इससे फूल खिला था, मैंने काट दिया है, इसका शॉर्ट में मैंने वीडियो दिया है अपने मेन चैनल पे। और ये वाला अपना कौन सा रोज़ है, ये गैलेक्सी ग्लो है, और ये देखें ये है गैलेक्सी ग्लो, इसका भी शेप जो है काफ़ी दिनों हुए इसे खिले हुए, इसलिए ये गैलेक्सी ग्लो का जो है रंग बिगड़ चुका है। ये वाला हमारा शायद, हाँ ये भी हमारा पुष्पाबिटन से प्राप्त है, इसका देखूँ मैं बहुत सुंदर है, ये है इस्पाना, ये इस्पाना है, और इसका फूल किधर गया, ये है इसका इस्पाना का, ये इस्पाना है। और बाकी दिखाता हूँ मैं ये वाला, ये है एक फूल, और इसकी आईडी बताता हूँ मैं, इसकी आईडी क्या है, नॉबलिश करके है, ये नॉबलिश देखें, ये नॉबलिश है पुष्पाबिटन प्लांट, ये भी सही है माशाल्लाह, बस थ्रिप्स थोड़ी सी लगी थी, इसका मैंने वीडियो बनाया, बड़ा अच्छा जानदार वीडियो है, उसे आप देख लेंगे तो आपके भी जो है कभी थ्रिप्स लग भी जाए या माइट्स लग जाए ना, माइट्स लगी थी तो एक ही बार में सफ़ा हो जाएगी आपकी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये क्या है, ये देखें बड़ा प्यारा सा खिल रहा है, ये पिंक सा शेड आ रहा है, ये ग्रीन वैली बच्चा पेंगुइन, ये है, ये क्या है, ये भी मैं बताता हूँ आपको इसकी आईडी प्लांट, ये भी माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी और मैच्योर हो चुका है हमारा, लेनेटे है करके क्या है ये मुझे बताइएगा, आप मुझे बताएं, कमेंट करिएगा, लेनेटे करके है कुछ। और ये क्या है हमारा, इसकी आईडी क्या है, पुष्पाबिटन, ये है, ये मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा, आप मुझे इसकी आईडी बताइए, इसका मैं फूल दिखा देता हूँ, ये देखें ये इसका फ्लावर है, आयरन की कमी है थोड़ी सी, अब हो जाएगी सही, मैंने इसमें जो है वो डाल दिया है चिलेटेड आयरन जिसे बोलते हैं। और ये वाला क्या है, इसकी आईडी क्या है, निकल के आ भाई बहुत अंदर टैग गया, ट्रॉपिकल सनसेट करके है, ये देखिएगा ट्रॉपिकल सनसेट, और ये है ट्रॉपिकल सनसेट के काफ़ी सारे फूल खिले हुए, पौधा भी माशाल्लाह काफ़ी मैच्योर हो चुका है, हालांकि अभी जल्दी ही में आए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी साल भर भी नहीं हुई है, नवंबर दिसंबर में मेरे ख्याल से आए हैं मेरे पास ही। ये क्या है, अच्छा एक और ब्लश है, ये दो ब्लश मेरे पास आए, हाँ देखें ये कली भी देखें, इसकी ब्लश ही है, ये खिल रही है, ये देखें ये है ब्लश। और बाकी ये वाला क्या है, अच्छा इसका भी बड लगी हुई है, खिला नहीं है, इसको बोलते हैं संबैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप मुझे बताइएगा, ये पीला कलर का है, थोड़ा सा ग्रीन टाइप का खिल रहा है। बाकी ये है हमारे ये 20 रोज़ प्लांट जो कि हमें पुष्पाबिटन से प्राप्त हुए, काफ़ी अच्छे रोज़ प्लांट है माशाल्लाह, दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया मुझे इन्हें देख करके। और ये जो इसमें मैंने फील्डिंग की है वो तो मैंने आपको बताई ही है, मेन चैनल पर जाइएगा, बाकी इसका कंप्लीट वीडियो मैं देने वाला हूँ, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, इसके अंदर जो है गर्मियाँ शुरू क्या हो चुकी हैं, लगभग उरूज पे ही पहुँच चुकी हैं, तो मैं भी थोड़ा सा भी इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ जल्दी में वीडियो फीडिंग के ऊपर, क्योंकि पहले मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले रहा हूँ ताकि फीडिंग भी हो जाए और आपके प्लांट्स भी सेफ़ हो जाएं, इस तरीके से बता पाऊँ मैं, और मेरा भी अपना अनुभव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुना सुनाया या फिर जो है किसी के कहे अनुसार अगर आप काम करेंगे वो तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर आपका सेल्फ एक्सपीरियंस क्या है और आप जो है पौधे में क्या कर रहे हैं, पौधा क्या चाह रहा है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है, वो अगर आप पहचान गए तब आप जो है काम कर जाएंगे और कोई भी आपका पौधा नहीं मरेगा इंशाल्लाह ताला। और जो है ये है हमारे पुष्पाबिटन के रोज़, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।